कादरी प्रोडक्शन पे ये लाइव चल रही है, वहाँ अच्छे रिजल्ट के साथ, मोबाइल से अच्छे रिजल्ट के साथ वहाँ इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। और मैं गुजारिश इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो बंदा जब मोबाइल निकाल लेता है ना, तो उसका ध्यान कहीं महफिल से हट के मोबाइल पे लग जाता है। तो महफिल में आ गए हैं तो ध्यान अब मदीने शरीफ की तरफ होना चाहिए। आला हज़रत फरमाते हैं, वल्लाह वो सुन लेंगे, इमदाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी अपनी बारगाली में कबूल फरमा ले। मैं एक बार फिर हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ, बैठ जाइए। जजाकल्ला जजाकल्ला, जहाँ जगह मिली है बैठ जाइए। जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी अपनी बारगाली में कबूल फरमाए। पहले तो आप सबसे गुजारिश है कि अपनी दुआओं में हमारे बहुत प्यारे दोस्त भाई परताज कादरी फरीदी के वालिद मोहतरम हॉस्पिटल में दाखिल हैं पिछले एक हफ्ते से। बड़ी सीरियस कंडीशन थी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अब काफ़ी बेहतर है। मुकम्मल शिफाए कामला अजला अता फरमाए अल्लाह उन्हें। जितने बीमार हैं मेरे आका के गुलाम पूरी दुनिया में जो दुआओं के लिए कहते रहते हैं परवरदिगार, सबको हुजूर के जिक्र की महफिल की बरकत से शिफाए कामला अजला अता फरमाए। आए मोहब्बत के साथ आला हज़रत फरमाते हैं, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, दहन में जुबान आए इस जबान का इस्तेमाल करते हैं और हुजूर के जिक्र में करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सैयदिना अली व सैयदतिना फातिमा व सैयदतिना ज़ैनब व सैयदिना हसन व सैयदिना हुसैन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद। प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है, प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है। सुल्तान दो जहान पर सबका दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना मौलाना मुहम्मद। पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनों करीने से, पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनों करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद। अर्शे आजम पे रसूल अज़ली लिखा है, लिखा है, डाली डाली पे अली और वली लिखा गए। अर्श आज़म पे रसूल अज़ली लिखा गए, डाली डाली पे अली और वली लिखा गए। सब्ज पत्तों पे हसन और कली पर ज़हरा, सुर्ख फूलों पे हुसैन इब्ने अली लिखा है। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। बोल बेदम यही तो बाज है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद। अम्मी के लिए दुआ करते हैं, अम्मी के लिए दुआ करते हैं, आए उसके लिए दुआ करते हैं जिसकी तरबियत की वजह से हम यहाँ बैठे हैं, जिसने हमें जब
सुलाने के लिए भी गोद में लिया तो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना सुना के हमें सुलाया, दूध भी अल्लाह अल्लाह करते हुए पिलाया है जी। ये उसी की बरकत है कि हम हुजूर के जिक्र से जुड़े हुए हैं जी। जब नबी पाक का नाम आता है तो हमारे खून में हरारत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। आए उस माँ के लिए दुआ करते हैं, जितनी मोहब्बत करते हैं शामिल हो जाएं। जन्नत में फातिमा की कनीज़े जा रहे, जन्नत में फातिमा की कनीज़े जा रहे, जन्नत में सैयदा की कनीज़े जा रहे। या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है, मेरी माँ वहाँ रहे। या रब मेरी दुआ है, मेरी माँ वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना मौलाना मुहम्मद। और हम वो लोग भी नहीं है जो अम्मी के लिए तो दुआ करें पर अब्बू को भूल जाए। वो दूसरे लोग होते हैं जी, मेहनत करके बाप रक्षा दिलाता है, कुछ नहीं कर रहा, निकम्मे को रक्षा ही दिला दो चलो, और वो रक्षे के पीछे लिखवाता है माँ की दुआ। अबे एहसान फरामोश उस बाप को भूल गया जिसने जमा पूंजी जमा की हुई तुझे रक्षा दिलाया है जी। हम अल्हम्दुलिल्लाह दोनों को दुआओं में याद रखते हैं। आए अपने वालिद साहब के लिए दुआ करते हैं। जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जा रहे, जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जा रहे। या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है, मेरे बाबा वहाँ रहे। या रब मेरी दुआ है, मेरे बाबा वहाँ रहे। अल्लाह सल्ले अला सैयदिना मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना मौलाना मुहम्मद। खता बार बार करता हूँ मैं, खता बार बार करता हूँ मैं, खता बार बार करता हूँ, वो करम बार बार करते गए। मौला या सल्ली व सल्लिम सलाम अला हबीबिक खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम, मौला या सल्ली व सल्लिम सलाम अला हबीबिक खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहम्मदुन सैयदुल कौनैनि व सकलैन, मोहम्मदुन सैयदुल कौनैनि व सकलैनि, वल फरीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमि। मौलाया सल्ली व सल्लिम सलीमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। दुरूदुन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का दर, दुरूदुन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का दर, खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है। मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है। हदीस पाक कहलाई जो बातें आपने कही, मौलाया सल्ली व सल्लिम सलीमन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहम्मद फख्र आलम बादशाह सुजा, सरवर कौनैन सुल्तान अरब शाह अजम, एक दिन जिब्रील से गगन लगे शाह उमर,
तुमने देखा है जगह बदला तो कैसे अर्ज की जिब्रील ने शान दिए मोहतरम आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है कोई यूसुफ पूछे मुस्तफा का होस्त कैसा है जमीनों आसमां में कोई भी मिसाल न मिले औलाया सौ निवसलिम दबद अला हबी का खैर खल्क जो आखिर में आमिना का वो लालाया कमाला ताजदारे खत्म ताजदारे खत्म ना बिकने वाले हैं अल्लाह ना झुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं शेर के बच्चों शेर के बच्चों शेर के बच्चों बोलो जरा जीना जोर से सीने का जोर लगा के धाड़ के जो जबरदस्त हो वो तब जेर होता है शेर जिस उम्र में हो शेर होता है जी बचपन से ही जाहिर हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह फोन भी बजना शुरू हो गया दूसरी महफिल वालों का ना बिकने वाले हैं क्या बात ना बिकने वाले हैं गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं या रसूल अल्लाह का नारा हमने घुटी में है पाया देखो देखो कौन आया मोहम्मद अरबी कदीर आया इज्जत लाया अजमत लाया मोहम्मद अरबी दीन आया ताजदारे खत्म नबूवत असल में जब कोई नात खान और भी स्टेज पर बैठा हो तो मैं अपनी हाजिरी और कम कर लेता हूँ माशाल्लाह तो ये महफिल तो माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कुल सिंध महफिलें मिला दे वो माशाल्लाह हैदराबाद से भी सना खान तशरीफ लाए हुए हैं और अंदरून सिंध से भी माशाल्लाह हमारे बहुत प्यारे भाई इलियास रहमानी साहब अली हैदर चौहान साहब और उसामा जुनेदी माशाल्लाह और स्टेज पर माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे सना खां बाबर भाई माशाल्लाह आपके बल्दिया टाउन के हम सब एक दूसरे को जानते हैं मोहब्बत करते हैं अल्लाह पाक मोहब्बत में सलामत रखे बस मैं आखिर में ज़्यादा फरमाइश है ये तीन हो गई फिर बस मैं 5-7 मिनट में हाजिरी पेश करता हूँ मुझे मलीर जाना है वो यहाँ से मलीर का रास्ता आपको पता है कितना दूर है वो सारा टाइम ट्रैफिक की वजह से आगे पीछे हो गया तो खैर हाजिरी एक दो शेर सुन लीजिए चलें उनका मंगता मुझे नाज उनके करम पे है मुझे मुस्तफा पे गुरूर है मैं उनका मंगता हूँ जो मंगता मैं देते उनका मंगता मंगता हाथ उठाए उनका मंगता वो जो मंगता नहीं होने देते मैं उनका मंगता हा
आका मेरे आका मेरे आका मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते मेरे आका मुझे रुसवा पंजाब में एक महफिल में था एक शहर में तो वो मेजबान महफिल मुझे महफिल में लेके जा रहे थे बड़े प्रोटोकॉल से हालांकि मैं फकीर तबीयत आदमी हूँ खैर वह महफिल में जा रहे थे तो मुझे मेजबान वो मिजाज से वाकिफ नहीं थे पहली बार बुलाया कहने लगे जोएब भाई स्टेज पे एक वो चौधरी साहब बैठे हैं उनका नाम ले लीजिएगा वो बड़े सखी हैं मैंने बोला वो चुप करो सखी सिर्फ हुजूर हैं बाकी सब फकीर हैं क्योंकि मैं उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता मेरे हर ऐप की करते हैं वो पर्दा पोशी मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते उनका मंगता उनका मंगता वर्ग जमाने दे कोई पीर बेखा मैनू मौला अली का जिक्र सुन के भले कोई पीर भी बैठा हो ना मौला अली का जिक्र सुन के उसका चेहरा मुरझा जाए तो वो पीर क्या मंगल भी नहीं होगा ऐसा मेरे हजरत कहते थे और कहते हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे बोले मौला अली का जिक्र सुन के अगर किसी की शक्ल उतर जाए ना तो वो मोमिन मुनाफिक होगा वो मौला अली का जिक्र सुन के तो सुन्नी सीना धाड़ के बोलता है सुभान अल्लाह कुव्वत लगा के क्योंकि हमारे अंदर तो मौला अली का नाम सुन के वैसे ही आप कभी देखिएगा जैसे मौला अली का जिक्र होता है वैसे ही 228 वोल्ट के करंट आ जाते हैं पूरे अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत ऐसी हुई है फिर मौला अली शेर खुदा है क्या पढ़ रहा था मैं अली वर्ग जमाने दे अली वर्ग जमाने दे हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया हैदर को भला खास समझ पाएगी दुनिया दुनिया की समझ में तो कलर दर नहीं आया उच्ची जात अली दिए कायनात अली दिए अली जितनी से दीवी जागीर में खावे दो अली वल गजबाने ते कोई पीर भी खावे अली 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 मौला अली वल गजबाने ते कोई पीर भी खावे दो मौला अली का गुलाम हाथ उठाए अली अली भौला या अली अली भौला अली अली भौला या अली अली भौला भौला अली भौला अली भौला अली भौला भौला अली भौला अली भौला अली अली भौला अली अली भौला या अली अली भौला अली वल कसम अली देते कोई फिर बेखा तू तोड़दा नहीं अली नहीं मेरे मौला अली मेरे मौला अली सखी मौला अली सखी मौला अली 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 दिलान तू तोड़दा नहीं अली खाली तोड़दा नहीं
अली बाज जग होते अली बाज जग होते कोई अमीर में खान हो अली वल का सामान दे कोई पीर में खाम अली 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 हैदर अली वल का सामान दे कोई पीर में खाम नो गरीब नवाज हुजूर शहनशाह गरीब नवाज की बारगाह में एक शेर समाप्त कीजिए तेरी जात पर तेरे नाम पर हाजा हम गरीबों को नाज है तू बड़ा गरीब नवाज है तू बड़ा गरीब नवाज है तेरी जात पर तेरे नाम पर हाजा हम गरीबों को नाज है तू बड़ा गरीब नवाज है तू बड़ा गरीब जहान में पर तेरे जैसा कोई सखी नहीं जिसे तू करम से नवाज दे उसे दो जहां में कमी नहीं तेरा काम ख्वाजा नवाज तू सदा से बर्दा नवाज है तू बड़ा गरीब नवाज है तू बड़ा गरीब कम्युनिटी सेंटर में नेवल कॉलोनी कम्युनिटी सेंटर में इंशाल्लाह आलम इस्लाम के मुमताज और मोहतरम सना खान हुजूर की बारगाह में नजराना अकीदत पेश फरमाएंगे इंशाल्लाह फकीर की भी हाजिरी होगी तो तशरीफ लाइएगा और बरकत लंगर है शादी लंगर का भी बेहतरीन इंतजाम होगा इंशाल्लाह तो लंगर वहीं खाइएगा अच्छा मेरी एक गुजारिश है आपसे आ ही गए हैं महफिल में तो अगर मेरे लिए आए थे तो भले चले जाएं लेकिन हुजूर का जिक्र सुनने के लिए मोहब्बत से आए थे कोई जरूरी काम नहीं है अगर कोई काम नहीं है तो बैठिएगा महफिल चल रही है और भी सना खां हुजूर की मिलाद में बैठेंगे और बंदा खड़ा ना हो कोई भी जजाक अल्लाह यहीं से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु सुभान अल्लाह जनाब मोहम्मद सोहेब अशफी खूबसूरत अंदाज में गुलाहे अकीदत पेश कर रहे थे दौरान नाद आलम इस्लाम के मारूफ सना खां जनाब कारी मोहम्मद मोहसिन कादरी साहब तशरीफ फरमा हुए हैं इन्हें भी खुश आमदीद कहूँगा हैदराबाद सिटी से हमारे मेहमान सना खां आज की हमारी इस महफिल में जलवागर हुए हैं जनाब मोहम्मद इलियास रहमानी साहब और जनाब हैदर चौहान साहब तशरीफ फरमा हुए हैं उन्हें मक्का फैमिली और सैयद फहीम कादरी की जानिब से खुश आमदीद कहूँगा शाहपुर चाकर से हमारे मेहमान सना खां तशरीफ लाए हैं जनाब मोहम्मद उसामा जुनेदी साहब उन्हें भी खुश आमदीद कहूँगा और हमारे मेहमानान गिरामी पीर सैयद सईद ख्वाजा साहब तशरीफ फरमा है उन्हें भी खुश आमदीद कहूँगा किबला जनाब कारी मोहसिन कादरी को दावत निकाबत सैयद मोहम्मद हसनैन बापू देंगे नाराए तकबीर नाराए रिसाला अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान कारी मोहसिन कादरी तशरीफ लाए कारी मोहसिन कादरी को सैयद हसनैन शाह खुशामदीद कहता है और कारी साहब को ही दावत नात देने लगा हूँ एले बेद घराने का जिक्र कर कह दो सुभान अल्लाह एले बेद घराने से मोहब्बत करने वालों कह दो सुभान अल्लाह शायर बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं कि पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली मादर खुदो बाप से ताकत खरीद ली
जब हो कहे जवान तो इमामत खड़ी दिली सर देकर लाही हक में शहादत खड़ी दिली हसन की बारगाह में क्या खूब लिखते हैं कि हसन को बादशाह हर खास आम कहते हैं सब हसन को बादशाह हर खास आम कहते हैं अली का नानिव का मकाम कहते हैं दलील दलील एक ही काफी है उनकी अजमत में उन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं इन बेद कराने से मोहब्बत करने वालों के तो सुभान अल्लाह या हुसैन शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल क्या खूब लिखते हैं बशर की सर बुलंदी में भी कोई राज होता है बशर की सर बुलंदी में भी कोई राज होता है जो सर देने सरे मैदान वो सर फराज होता है जो सर देने सरे मैदान वो सर फराज होता है जहाँ पर खत्म होती है हुदूदे अपने इंसानी वही से पंजे तक की शान का आगाज होता है ये तो सुभान अल्लाह शेर बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं कि अंदाज बंदगी है निराला हुसैन का अंदाज बंदगी है निराला हुसैन का सजदों में लाजवाब है सजदा हुसैन का सजदों में लाजवाब है सजदा हुसैन का बेदा बेदा जिंदगी का अरे यही तो कमाल है हर शख्स पढ़ रहा है हर शख्स पढ़ रहा है कसीदा हुसैन का हर शख्स पढ़ रहा है कसीदा हुसैन का बार गए सरवर कोने बार गए ताजदार मदीना शाह मदीना मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में गुलाकीदत पेश करेंगे जनाब मोहम्मद कारी मोहसिन कादरी का इस्तकबाल नारों से कीजिए नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया बहुत शुक्रिया ये बड़ा अच्छा अंदाज है बल्दिया टाउन में के एक मरतबा सलाम में हल्का जवाब